हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर असम हाई स्कूल टेट और हायर सेकेंडरी टेट का पैटेगोजी क्लास के अंदर आज हम लोग ब्लूम्स ट्रक्सनोमी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एमसीक्यू आया है उसको डिस्कस करेंगे कल इस टॉपिक के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे डोमिन ऑफ लर्निंग के बारे में इफेक्टिव साइकोमोटर और कोगनेटिव के बारे में आज एम को सॉल्व करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव डोमिन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स एक्सनोमी इफेक्टिव डोमिन का करेक्ट सिक्वेंस क्या है रिसीविंग रेस्पॉन्डिंग भेलुइंग ऑर्गेनाइजेशन और करेक्ट्रेशन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइस्ट लेवल ऑफ कागनेटिव डोमेन इज कॉगनेटिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है सबसे लोअर लेवल होता है नॉलेज और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है इवेल्यूएशन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे आप सभी लोग देख पाएंगे कागनेटिव डोमेन के अंदर जो लेवल है नॉलेज सबसे पहले आता है कॉम्प्रियसन एप्लीकेशन एनालाइज सिंथेसाइज और लास्ट और सबसे अपर लेवल होता है इवेल्यूएशन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन और कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ब्लूम ब्लूम के हिसाब से कौन सा डोमेन या फिर कैटेगरी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का नहीं है कोग्नेटिव है इफेक्टिव है और साइकोमोटर भी है सोशियो पोलिटिकल डोमेन जो है ये कोई डोमेन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स एक्सनॉमी विच ऑप्शन इज इकोरेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन करने के लिए ब्लूम्स एक्सनॉमी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है एनालाइज इवोल्यूशन एप्लीकेशन जो है सही ऑप्शन है सेल्फ एक्चुलेसन जो है गलत ऑप्शन है ए मेस्लो नीड हर की थ्योरी के अंदर आप सभी को मिलेगा ए जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन करने के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री